स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एड्रेस। एड्रेस क्या होते हैं? देखिए, बेसिकली एड्रेस जो है वो हमारा क्या है, इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इज़ यूज टू हैव टू नंबर्स। दो नंबरों का अगर डिस्प्ले, बाइनरी नंबर्स का अगर हमें सम करना है तो उसके लिए हम जिस सर्किट का यूज़ करते हैं उसे एडर कहते हैं। ये भी कॉम्बिनेशनल सर्किट ही है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम दो तरीके के एड्रेस की बात करते हैं, वन इज़ अवर हाफ एडर एंड अदर वन इज़ फुल एडर। दोनों में फ़र्क क्या है वो हम बाद में समझेंगे, लेकिन उसको समझने के लिए, दोनों के डिफरेंस को समझने के लिए हमें पहले हाफ एडर को और उसकी वर्किंग को समझना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने हाफ एडर से ही। हाफ एडर क्या है? ये वो कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि दो नंबर्स को ऐड करने का काम करता है। जैसे आपके पास दो बाइनरी नंबर्स, सपोज 0 और 0, अगर इन्हें हमें ऐड करना है तो इनके लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं, रिजल्टेंट हमें पता है जैसे 0 आ रहा है, तो इसके लिए हमें डिवाइस के लिए जिस डिवाइस का हम यूज़ करते हैं उससे हम कहते हैं हाफ एडर। ओके, हाफ एडर का बेसिकली काम केवल इतना ही है कि ये दो बिट्स को ऐड करने के काम आता है, जो कि बाइनरी डिजिट्स हैं उन्हें ऐड करने के काम आता है। जब एडिशन हो रहा है तो यहाँ पर अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप ये देखें कि दो नंबर जो ऐड हो रहे हैं, मे बी जब तक हम बात करते हैं 0 0 की, जब तक हम बात करते हैं 0 0 की, 0 1 की, 1 0 की, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 1 1 की बात करते हैं तो 1 1 में क्या होता है, यहाँ पे अगर हम 1 1 की बात करें तो आप देखेंगे कि जब हम 1 1 लेकर के चल रहे हैं, 1 और 1 दो जब इनको हम ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 0 और 1 हमारा कैरी में जाता है। ऐसा होता क्यों है इसका मैं बताता हूँ आपको, कि जब भी हम 1 और 1 को ऐड कर रहे होते हैं तो जो रिजल्टेंट हमें मिलता है वो होता है 10। जो रिजल्टेंट हम पाते हैं वो होता है 10। ये कैसे हैं, इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर आप एक स्टोन और एक और स्टोन, दो स्टोन को लेकर आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, आपको दो स्टोन मिलेंगे, दो पत्थर मिलेंगे। उन दो पत्थर का अगर आप बाइनरी इक्विवेलेंट देखेंगे तो क्या होता है, 10। टू का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, टू का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 10। तो 1 + 1 इसीलिए वो 10 कहलाता है। एक्चुअली वो 2 ही होता है लेकिन उसका बाइनरी इक्विवेलेंट हम 10 लिखते हैं। तो 10 में जो हमारी 10 में हमारी जो ये 0 डिजिट है ये कहलाती है सम डिजिट, और चूंकि ये 1 है और एक बिट का ही नंबर है, एक बिट तो इनका रिजल्टेंट एक बिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रिजल्टेंट चूंकि 2 बिट में हो रहा है तो 2 बिट की वजह से ये वाला नंबर जो आपका होता है ये हम कहते हैं कि इसे हम कैरी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ कैरी हो जाती, इसलिए ये वाला केस थोड़ा सा स्पेशल केस है, नहीं बाकी सारे केसेस अलग सिंपल होते हैं। इसी वजह से हाफ एडर में हम जो है जब भी यूज़ करते हैं तो हमारे पास दो इनपुट्स होते हैं जो कि दो नंबर होंगे जिन्हें हमें ऐड करना है, और उसके साथ साथ हमें आउटपुट में भी दो चीज़ें लेनी पड़ती हैं। एक लेना होता है सम और दूसरा लेना होता है, एक होता है सम दूसरा होता है कैरी, ये हमें आउटपुट पर लेना होता है। अब बेसिकली जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं इसकी, तो जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिज़ाइनिंग का पढ़ा था कि डिज़ाइनिंग का जो प्रोसीजर था वही डिज़ाइनिंग का प्रोसीजर आप यहाँ भी फॉलो करेंगे। इसके लिए पहले हमारी थ्योरी जो पढ़ी हुई है वो क्या है, 0 0 हमेशा 0 होगा, 0 1 हमेशा 1 होगा, 1 0 हमेशा 1 होगा, और ये वाला जो केस है वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। जब हमारे पास ये बेसिक थ्योरी है तो इसी थ्योरी को हम प्रॉब्लमेटिक अप्रोच मान के हम क्या करेंगे, हम अपने ट्रुथ टेबल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने ट्रुथ टेबल बना लिया। इनपुट में आप देख रहे हैं हमने क्या लिया, ए और बी और उनकी अलग अलग वैल्यूज 0 1 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है, सम और कैरी ले लिया। 0 0 का सम 0 होगा, कैरी भी 0 होगी। 0 1 का आपका सम 1 आएगा और कैरी 0 आएगी। 1 0 का सम 1 आएगा, कैरी 0 आएगी। और 1 1 वाला जो केस था उसमें 0 आपका हो गया सम पे और 1 आपका हो गया कैरी पे, ठीक है। ये आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, उसमें आपको लिखा होगा, बाकी आप चाहें तो उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं साथ साथ में समझते हुए। अब यहाँ पे ये आपका ट्रुथ टेबल बनके तैयार है। मैंने बताया था आपको कि ट्रुथ टेबल के बाद हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, के मैप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ताकि हमें एक रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन मिल सके आउटपुट और इनपुट के रिलेशन का। तो चूंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स थे तो 2 वेरिएबल के मैप लेंगे। 2 वेरिएबल के मैप के लिए 2 की पावर 2 = 4, यानी कि 4 ब्लॉक्स हमारे बन जाएंगे। नॉर्मली जैसे हम बना रहे थे के मैप वैसे ही बनाएंगे। अब यहाँ पर आपने क्या किया, देखिए जब आपका ए और बी 0 0 हैं, हम बात कर रहे हैं दो, चूंकि दो आउटपुट हैं तो दो आपके बनेंगे के मैप। सम की अगर बात करें तो जब 0 0 है तो सम क्या है, 0। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, हमने क्या किया 0 को प्लॉट कर दिया।
जब ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, तो हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो हमने वहाँ पे 1 प्लॉट कर दिया। इसी तरीके से सम और कैरी का हम दोनों का प्लॉट करेंगे। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ए बार बी, और यहाँ पर ए बी बार। तो सम का दोनों का, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड करने पे ही हमें सम का एक्सप्रेशन मिलेगा, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा ये एक्सप्रेशन है। अगर इसको देखें तो इट इज़ ए बार बी प्लस ए बी बार। इसको हम एग्जॉर कर सकते हैं, इसकी ये एक्सप्रेशन जो होता है, जिसे प्लस को एक सर्कल करके दिखाते हैं, इसे हम एग्जॉर कहते हैं। ये आपको फर्स्ट यूनिट में जो आपका गेट्स का है उसमें आपको मिल जाएगा, उसका भी लेक्चर आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये आपका एक्सप्रेशन जो मिला है, ये बेसिकली सम का एक्सप्रेशन मिला है। इसी तरीके से कैरी ऑन करते हुए हम क्या करेंगे, सम का एक्सप्रेशन हमें मिल चुका है, सम का एक्सप्रेशन मिल चुका है, कैरी के लिए भी वही चीज़ करेंगे। तो कैरी के में केवल एक वन आ रहा है, जो कि ये वाला था केस, ये वाला आ रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं कि कैरी का एक्सप्रेशन आपका क्या बन जाएगा, कैरी का एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा, इट विल बी ए बी। ठीक है, ये आपको ए बी मिल जाएगा। अब आपके पास क्या है, आपके पास सम का एक्सप्रेशन है, आपके पास कैरी का एक्सप्रेशन है। इसको यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, अपने सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको इनपुट क्या थे, ए और बी था। उसके बाद आपने क्या किया कि एक्सोर गेट से ए बी को पास किया, तो आपको क्या मिल गया, ए एक्सोर बी मिल गया। साथ में कैरी में आपका ए बी था एंड गेट के साथ, तो आपने एंड गेट से उसको पास कर दिया और आपको एक सर्किट आपका मिल गया। इस तरीके से आप हाफ एडर को डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन हाफ एडर में कुछ फ्लॉज हैं, कुछ कमियां हैं, जिनकी वजह से हमें फुल एडर इम्प्लीमेंट करना पड़ा। वो आपको इसी के पार्ट 2 लेक्चर में आपको मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।